दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने छोटे चैनल पे। दोस्तों सुनो, जो बातें डिस्कस करेंगे ये बहुत ही पुराने बातें हैं और मैंने कई वीडियो में ये चीज बता भी दिए हैं, फिर भी आज के लाइव सेशन में जितने भी छात्र छात्राएं कमेंट किए ना, उसमें मैक्सिमम मात्रा में जो छात्र छात्राएं कमेंट किए हैं उसी का मैं कमेंट का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, जब लोग इस विषय लाइव आए थे तो आप लोगों को मैं सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहा था कि पार्ट वन वाले छात्र छात्राओं के प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब से लिए जाएंगे, यूनिवर्सिटी की तरफ से डेट जारी किए जाएंगे, कब जारी किए जाएंगे। और दूसरा सबसे अधिक कमेंट था कि पार्ट टू वाले छात्र छात्राओं के एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे यूनिवर्सिटी के तरफ से। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को यह चीज तो बता भी दिए हैं, फिर भी आप लोग अपने इन्फॉर्मेशन से असंतुष्ट, और आप लोगों को चाहिए कि डे बाय डे इन्फॉर्मेशन मिले ताकि घबराना नहीं पड़े। तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही चीज बता देता हूं कि आप पार्ट वन के छात्र छात्राओं के प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट यूनिवर्सिटी की तरफ से कब तक जारी किए जाएंगे और पार्ट टू वाले छात्र छात्राओं के एडमिट कार्ड कब तक जारी किए जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि मिथिला विश्वविद्यालय से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो वो सौ समय आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप लोग सौ समय देख भी लीजिएगा। अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट वन वाले छात्र छात्राएं जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स का इंतजार कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से डेट कब जारी किए जाएंगे। तो देखिए भाई साहब, आप लोगों को कुछ दिन पहले भी बताया था कि यूनिवर्सिटी 11 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक बंद है, उसके बाद ही कोई कामकाज होंगे। ठीक है, कोई कामकाज उसके बाद ही होंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है ना इस बार थोड़ा लेट हो सकते हैं, अब और भी लेट हो सकते हैं, क्योंकि पार्ट टू वाले छात्र छात्राओं के एग्जाम्स लिए जाएंगे, वो भी किसका, थ्योरी पेपर का, तो इस हिसाब से भी लेट हो सकते हैं। तो इस स्थिति में मैं आप लोगों को कंफर्म नहीं कहूंगा और यूनिवर्सिटी में कब क्या होता है वो कोई ठीक नहीं है। तो 20 तारीख 21 तारीख तक आप लोग इंतजार करिए, इसके बाद ही कोई बात विमर्श मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, वैसे सभी छात्र नेता तो यही कह रहे थे कि 20 तारीख तक डेट आ जाएंगे, तो वो भी देख लेंगे कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से तो लग रहा है कि कम ही चांस है, और होगा भी तो 2-3 दिन में सल्ट लिया जाएगा, ये उम्मीद रखिए। तो आप लोग जो है अपने प्रैक्टिकल कॉपी की तैयारी करके रखिए, ये समझिए, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो सकते हैं। तो अगर 26 तारीख से पहले ले लेता है तो, और उसके बाद लेगा तो कोई ठीक नहीं है। ठीक है, अब पार्ट टू वाले छात्र छात्राएं ध्यान से सुनेंगे, आप लोगों के एडमिट कार्ड, जब आप लोगों को पता है कि आप लोगों के थ्योरी पेपर का एग्जाम्स 26 अक्टूबर से शुरू होंगे, तो यूं समझिए कि आप लोगों के एडमिट कार्ड 20 तारीख तक जारी कर दिए जाएंगे, और ये मैं आप लोगों को बार बार पहले भी बताया था और बता भी रहा हूं कि, तो आप लोगों को यह इन्फॉर्मेशन बताने के लिए मैं आया था, जो चीज आप लोग कमेंट कर रहे थे, और भी ज्यादा कमेंट जिस चीज को लेकर के आएगा मैं पिक करता हूं, उसके बाद ही बनाता हूं वीडियो, अन्यथा क्या जरूरत है, जब आप लोगों को संतुष्टि मिल ही जाता है। एग्जाम्स में कैसे कॉपी लिखनी है और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है इसके बारे में मैं वीडियो आज सुबह ही अपलोड की है, नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, और जो देख लिया है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।